ये आज हम आपके लिए एक दीवान पलंग लेके आए हैं, जिसको हमारे तरफ तो दीवान पलंग बोलते हैं, लेकिन आपके तरफ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, तो हम वो भी बात बताएंगे। लेकिन हमारे तरफ तो उसे पलंग, बॉक्स पलंग, दीवान पलंग, ऐसे कुछ तीन चार नाम है जो बोलते हैं, तो इसलिए हम भी बार बार बताते हैं दीवान पलंग। शायद आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि दीवान पलंग होता क्या नहीं है। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं जानते हैं तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दीवान पलंग, बॉक्स पलंग। एक मेट्रो पलंग आता है जो इससे थोड़ा सैंपल आता है मेरा, इससे जो पिछला वाला वीडियो था वो उसे मेट्रो पलंग भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम जो आपको थंबनेल पर देख के ये फोटो पर क्लिक किए हैं, चलिए उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब हम उसके बारे में आपको सारा कुछ डिटेल बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। ये कितना आप सिंपल सा ट्रिक में एक पलंग बना सकते हैं, चलिए इसमें समझते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्या बनाना है। देखिए, ये तो हम बार बार बताते हैं कि इनका 6 फीट ही देना है, 6 फीट ही रखिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिए। अगर 6 फीट से बड़ा रखते हैं तो प्लाई आपका थोड़ा बड़ा लाना पड़ेगा और उसे काट के फेंकना पड़ेगा। तो अगर 6 फीट इसका साइज इसीलिए होता है कि आपका प्लाई जो ये सीट का जो ये प्लाई आता है ये 6 फीट में लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये आप 16 इंच से ज़्यादा मत रखिए, हमारे हिसाब से 16 इंच ही रखिए, इसका हाइट 16 इंच रखिए। और जो चलिए हो गया 16 इंच, अब देखिए ये तो पौवा जो है इसमें कम से कम 5-6 इंच से कम नहीं दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ चलिए बढ़िया से इसमें देखते हैं, कई कई मिस्त्री कहाँ कहाँ गड़बड़ करता है ये बताते हैं। यहाँ ये छोटा सा लकड़ी जो है 3 को खुर्जी लगा हुआ यहाँ नहीं देता है, सिर्फ यहाँ छोड़ देता है, यहाँ बीच में एक लगा देता है। उससे प्रॉब्लम होता कैसे, आप पौवा मान लीजिए आप गोल कर इसको ऐसे राउंड कर दिया, अब वहाँ इसको फंसाने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, इसलिए वहाँ भी खुर्जी दीजिए कि वहाँ पौवा फंसाने में प्रॉब्लम थोड़ा कम है, ठीक है। और आगे का चलिए बोर्ड जो आगे का है चलिए उस पर कुछ बात करते हैं। इस पर देखिए क्या करना है, ये जो है आपका यहाँ से नीचा ये आप थोड़ा 1.5 इंच मोटा में बना सकते हैं, 1.5 इंच मोटा में कम से कम बना लीजिए, लंबाई तो 6 फीट है और 1.5 इंच मोटा में बनाइए। उसके बाद देखिए आप उससे ऊपर आप ये प्लाई का भी बना सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये सब प्लाई का डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ये प्लाई का डिजाइनिंग करना, ये बीट उट लकड़ी का बहुत सैंपल सा है, इसमें टेंशन लेने का उतना जरूरत नहीं है, ये आप बना सकते हैं। और एक बिनियर इसमें, कहीं जगह पर टिक प्लाई बोलता है कहीं बिनियर बोलते हैं, तो आप बिनियर इसमें लगवा सकते हैं बिनियर। चलिए आप देखिए, ये यहाँ पौवा नीचा में राउंड किया हुआ है, ये आप चाहे तो राउंड कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा राउंड कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। और ये पैनल पर देखिए आपको शायद कम दिख रहा होगा, यहाँ कार्विंग किया हुआ है, आप नहीं भी कटिंग कीजिएगा तो भी चलेगा। तो एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी के पास आप ये फ्रेम बनाते हैं, हम 16 इंच बताते हैं, आप डायरेक्ट जाके 16 इंच नहीं बनाइए, पहले वहाँ जाके लकड़ी चेक कीजिए, वहाँ ये जो पैनल के लिए जो ये लकड़ी है, ये पैनल के लिए लकड़ी है ये कितना चौड़ाई में है, ये चीज़ देखिए पहले जाके कि कितना। मान लीजिए हम बता देंगे 16 इंच बना लीजिए, अगर पैनल 7.5 इंच लकड़ी हुआ तो क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगा, तो फिर से काटना पड़ेगा यहाँ से। तो पहले आप जाके लकड़ी देख लीजिए कितना है ये तख्ता पैनल का, उसके बाद आप फ्रेमिंग बनाइए। 16 इंच फ्रेमिंग बना सकते हैं, लेकिन 0.5 इंच कम भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।